नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं नॉलेज अप टू डेट चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो एक बहुत ही शानदार वीडियो है। हमारे एक साथी जो रिटायर हो रहे हैं आज 30 जुलाई सन 2021 को, इनका नाम है श्री विनोद कुमार बालोडिया जी। इनका हेडक्वार्टर अहमदाबाद जंक्शन है। इनकी लास्ट ट्रिप 02834 हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस है और ये वर्किंग कर रहे हैं सूरत से अहमदाबाद तक। इनका वेलकम हमने वडोदरा रेलवे स्टेशन किस प्रकार किया, ये आप इस वीडियो में देखेंगे। बहुत मजा आएगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है आपको। नमस्कार साथियों, आज 30 जुलाई सन 2021 है और आज हमारे एक साथी, हमारे बैच के ही जो हम एक साथ ही भर्ती हुए थे 21 जनवरी 1991 को, तो आज वो 60 साल के पूरे हो रहे हैं, यानी कि 31 जुलाई को वो 60 साल के हो रहे हैं, लेकिन आज उनकी लास्ट ट्रिप है 30 जुलाई सन 2021 को। तो हमने उनका स्वागत किया। उनका नाम है श्री विनोद कुमार बालोटिया जी। अहमदाबाद हेडक्वार्टर उनका, वो मेल एक्सप्रेस लोको पायलट हैं और वडोदरा स्टेशन से जब वो ट्रेन लेके गुजर रहे थे तो हमने उनका स्वागत किया। और स्वागत किस प्रकार किया वो आपको वीडियो में दिखाते हैं, आइए। जैसा कि आपने अभी देखा, ये ट्रेन अराइवल हुआ करीब सुबह 10 बजे के आसपास। हावड़ा एक्सप्रेस थी 02834 हावड़ा एक्सप्रेस, ये सूरत से अहमदाबाद लेके जा रहे हैं और हमने इनका वडोदरा स्टेशन पे जब ये गाड़ी रुकी तो भव्य स्वागत किया। पहले ट्रेन का एंट्रिंग भी हमने वीडियो बनाया और इसके लोकोमोटिव को भी सूरत में सजावट किया गया था इनके ऊपर, क्योंकि इनके साथ में और भी कर्मचारी गए थे सजावट करने के हिसाब से। जब लास्ट ट्रिप होती है तो एक अलग ही रोमांच होता है और कुछ अलग ही आनंद होता है कि आज मेरी ज़िंदगी की, नौकरी की लास्ट ट्रिप है। तो इंजन को भी सजाया जाता है और खुद की लोकोमोटिव की कैब को भी थोड़ा सजाया जाता है और जिस स्टेशन भी उनके कोई परिचित होते हैं वो उस स्टेशन पर रेलकर्मी का स्वागत किया जाता है। ये ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा करने से हर किसी को एक खुशी मिलती है और बहुत आनंद आता है। जाओ सर, लेते 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 कर ये करेंगे पहले। हाँ कुल मीरा जी, एक मिनट पकड़ो। तो अभी आपने ये वडोदरा स्टेशन में जो हमने भव्य स्वागत किया उसका वीडियो देखा। हम भी उनके लिए फूल हार वगैरह लेके गए थे और मिठाई का पैकेट भी लेके गए, हालांकि वो खुद भी एक मिठाई का पैकेट उन्होंने लेके ऑलरेडी रखा था। उसमें से हम सभी को मिठाई खिलाई, हम सभी गले मिले और हमने भी उनको मिठाई खिलाई। तो बड़ा एक आनंद महसूस हुआ कि देखो, हमारे बैच का एक आदमी आज अंतिम ट्रिप लगा रहा है हमने रेलवे की सर्विस में। हालांकि हमारे तो अभी 5-5.5 साल बाकी है, लेकिन वो उम्र में ज़्यादा थे इसके लिए उनके 60 साल पूरे हो गए और अंतिम ट्रिप लगाई। आइए आगे देखते हैं, बहुत मजा आएगा। हेलो 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 हे
इस मौके पर कोई ढोल नगाड़े नहीं थे क्योंकि गाड़ी का हॉल्ट सिर्फ 5 मिनट का ही रहता है यहाँ पे, इसके लिए हमने कोई ज़्यादा व्यवस्था नहीं की। लेकिन हमारे एक साथी ने कहा कि कुछ डांस वांस करना चाहिए, तो थोड़ा बहुत ऐसे ही बिना म्यूजिक के भी डांस किया। हमारे साथ में हमारे बैच के कमल किशोर जी पाल साहब जो भी इंस्ट्रक्टर हैं वो थे, और नटवरलाल के पटेल जो मेल लोको पायलट थे, दिनेश कुमार परमा जो मेल लोको पायलट, प्रवीण कुमार जो डी कैटरेज होके SSC बन चुके हैं CNW में वो भी थे, और इस प्रकार हम सब लोग, और मौर्या जी जो भी मेल लोको पायलट हैं, राजेंद्र प्रसाद मौर्या जी वो भी थे। इस प्रकार हम लोगों ने उनका स्वागत किया और आगे का रोमांच का पल देखिए। आइए, हाँ जी, ये मिठाई लो भैया, हाँ प्लास्टिक भी खा जाओ। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी ऐसा शुभ अवसर होता है तो मिठाई और पानी पिलाना चाहिए, तो हम पानी की बोतल भी लेके गए थे और मिठाई भी लेके गए थे, और मिठाई भी खिलाई उन्होंने, पानी के पानी भी पिलाया, और इस तरह एक दूसरे से मिलकर हमको बहुत खुशी हुई। चलो आओ जो प्रकार बहुत ही कम समय में हमारे साथी का हमने स्वागत किया, और उनको वापस गाड़ी का टाइम हो गया था, 5 मिनट हो चुका था, तो उनको वापस विदाई दी। आप देख रहे हैं गाड़ी वापस स्टार्ट हो चुकी है, और इसमें वापस दूसरी गाड़ी से पीछे हमारे एक साथी जो स्वागत के समय उपस्थित नहीं हो पाए थे क्योंकि वो ट्रेन वर्क कर रहे थे उस समय, कहीं दूसरी ट्रेन, तो वो फिर दूसरी गाड़ी से गए अहमदाबाद। उनका नाम है विनोद कुमार शर्मा जी, तो वो भी वहाँ जाके प्रोग्राम अटेंड किया उनके साथ में, और हमारे बैच के मनु भाई परमार जो है वो भी उस प्रोग्राम को अटेंड करके अहमदाबाद स्टेशन पर पहुँचे। तो इस प्रकार हम सबको बहुत ही आनंद हुआ, और भविष्य में इसी प्रकार कोई आपका बैच का रिटायरमेंट होता है तो इस प्रकार स्वागत जिस स्टेशन पर भी आप रहते हों वहाँ अगर वो पहुँचते हैं तो स्वागत अवश्य करना चाहिए। इससे एक बहुत ही बड़ा आनंद होता है जिसका वर्णन हम यहाँ नहीं कर सकते। धन्यवाद। तो इस तरह हमने भावभीनी विदाई दी और दो फोटोग्राफ भी लिए हैं, वैसे तो बहुत फोटोग्राफ लिए थे, ये दो फोटोग्राफ यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो साथियों, जो भी आप लोग इस वीडियो को देखते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कैसा लगता है, आपके क्या विचार हैं कि इस प्रकार स्वागत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इसमें और भी क्या सुधार किया जा सकता है कि इतने कम समय में हम इसका स्वागत कैसे करें, तो आप अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें। मुझे आपके कमेंट का इंतजार है। धन्यवाद साथियों।